को वो दिया है, डीडी किया इनको पूरा। हाँ डीडी किया हुआ है, सबूत है हमारे पास में, सबूत अपने पास में इनका। ये सब मां से आए हैं, इनको आवेदन देने के बाद में भी अभी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं बैंक वाले कि भाई हम मकान का पोजीशन लेने आए हैं। अब ये किस आधार से पोजीशन ले रहे हैं, और इनके साथ ये पुलिस वाले आए हैं भाई साहब। अभी हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया, और उससे पहले आप आ गए, आपने हमने डील की है कागजों में, हमने आपसे डील की है कागजों में, कोर्ट से कोई आदेश नहीं है भाई साहब, हाई कोर्ट का ये है आदेश, कोई मकान की पोजीशन नहीं ले सकता। और आपके पास आवेदन नहीं गया तो हमें लिख के दे दीजिए कि भाई हमारे पास आवेदन नहीं आया, फिर कोर्ट में मिलते हैं। कोई बात नहीं है, कोर्ट से क्यों आएगा, आपने हमसे डील की थी साइनों में जब लिए थे ना, आपने भाई साहब लोन दिया था ना, उससे पहले कागज देखे थे, आपने अप्रूवल किया था हम लोन देने लायक, आप लोन देने जब लोन आपने दुकाने पहले हमारे कागज का जवाब दोगे, उसके बाद में मकान की पोजीशन लोगे, और आप ले सकते हो तो देख लेंगे कैसे लेते हो। हम भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, डीआरडी कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है तो साबित कर दो। अरे मजिस्ट्रेट नहीं है भाई साहब, इसका आदेश नहीं मानते, हमें पहले डील कीजिए ना, और हम बैठे ना यहाँ। हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो, हाँ ये वकील साहब है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ऐसा है सरफेस एक्ट के अंदर है ना, कोई ऑर्डर होते हैं भाई साहब, मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट का सख्त आदेश है, और आरबीआई ने भी अभी वो गाइडलाइन जारी की है कि भाई कोई भी बैंक है ना मकान पे पोजीशन नहीं ले सकता। हमारे पास है ना, हम देंगे अभी आपको कागज, आपको कागज चाहिए हम देंगे ना। अरे मेरी बात सुनिए, आप इस पे अभी पोजीशन नहीं ले सकते, आप हमारे आवेदन का जवाब दोगे, उसके बाद में हम पोजीशन देंगे। आपने क्या आवेदन किया, जो भी दी है ना, जो भी दी है ना, उसका आवेदन दे दो, उसका जवाब दे दो भाई साहब, उसका जवाब दे दो ना, आप उसका जवाब दे दो ना। नहीं सुनूंगा मैं, मैंने आपसे डील कागज में किया, आपने मेरे से डील कागज में, हाँ तो उसका कागज में जवाब दो, आप उसमें कागज का जवाब दो किसका, हाँ तो करो ना, पहले कागज का जवाब दो ना भाई साहब, कागज का जवाब देना पड़ेगा आपको, आपको कागज का जवाब, आप पैसे ही लोगे ना, आप पैसा ही लोगे ना, बिल्कुल पैसा लोगे ना, दादागिरी आप कर रहे हो भाई साहब, मकान पे कब्जा लेने आ गए, पुलिस आ ही नहीं सकती, पुलिस को कहाँ से, अगर पुलिस, पुलिस बाहर कानून की व्यवस्था करेगी, अंदर नहीं आ सकती। आप लोगों में अगर है दम कब्जा लेने का तो आप, लेके देख लीजिए, हम देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दादागिरी आप कर रहे हो, हमारे जवाब, आप कागज का जवाब नहीं दे रहे, ये वकील हो ना, वकील होगा, वकील आपको पता है कैसे बात होती है, कागज कागज ही मांगता है ना कोर्ट, कागज कोर्ट मांगता है ना, तो फिर कागज का जवाब दो ना, मना दो, जो एप्लीकेशन दिए ना आपको, उसको एप्लीकेशन मान रहे हो ना, तो उस एप्लीकेशन का ही जवाब दे दो हमें, एप्लीकेशन का ही जवाब दो ना आप, क्यों नहीं दे सकते आप, नहीं दे सकते आप, पोजीशन भी नहीं ले सकते, हम देखते हैं, आप लेके बताइए पोजीशन कैसे लेते हैं, आपकी दादागिरी हम देखते हैं, दादागिरी कैसे करते हो, हमने आपसे कोई जवाब मांगा, हमने जवाब का जवाब दो, और पुलिस वाले अंदर नहीं आ सकते भाई साहब, आपका नाम क्या है, इनका नाम और बेल्ट नंबर लिखिए, सबका नाम लिखिए, लिखिए कमल जी इनका नाम और बेल्ट नंबर लिखिए, पुलिस कानून व्यवस्था करनी है या गुंडागर्दी कर रही है यहाँ पे, हाँ मैडम से बात कीजिए ना, पुलिस यहाँ दादागिरी करने आ रही है, पोजीशन दिलाने आ रही है, कानून की व्यवस्था करेगी, 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ, हाँ कंप्लेंट के लिए आया, कोई दिक्कत नहीं तो कंप्लेंट, ये भाई साहब कैसे कंप्लेंट करने आए हो आप पोजीशन लेने आए हो, मकान की पोजीशन ले रहे हो आप, कागज का जवाब ही नहीं है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का जवाब दो, भाई साहब कानून से आप ऊपर नहीं हो, इस नोटिस की लड़ाई आप कानून से ऊपर नहीं हो, हाँ तो कानून में आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं संविधान के अंदर आता हूँ और संविधान के अंदर सवाल पूछना मेरा जायज है भाई साहब, संविधान के ऊपर मेरा, संविधान के अंदर आता हूँ, जवाब पूछना मेरा जायज है, जवाब दो, क्यों नहीं कर सकते फिर, क्यों कैसे आ गए, कहाँ से आए भाई साहब, उसका जवाब दोगे आप, कोर्ट में दे दो भाई, हम नहीं दे रहे मकान का पोजीशन।
चलो कोर्ट में। हाँ बिल्कुल चाय पिलाएंगे ना भाई साहब। अरे बिल्कुल चाय पिलाएंगे, अरे मालिक चाय पिलाएंगे आपको। अरे भाई साहब देखो भाई साहब मेरी बात सुनिए, इन बैंक वालों के साथ आप अंदर नहीं आ सकते। बैंक वालों के साथ हम तो सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा सुरक्षा पहले आप देखोगे, मेरी बात सुनिए, सुरक्षा आप देखोगे, सुरक्षा हाँ सुरक्षा आप देखोगे बाहर से, ये आपका जायज है। और आप हमारे मेहमान हो, मेहमान नहीं, आप कानून की व्यवस्था करते हो दिन रात। तो भाई साहब आपका हमारा फर्ज है, आपकी आपकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, ठीक है। आप हमारी हाँ बिल्कुल चाय पिलाएंगे भाई साहब, भोजन भी करवाएंगे आपको। चाय पानी तो ये भी पी सकते हैं, चाय पानी ये भी पी सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये दादागिरी का कभी भी नहीं कर सकते। दादागिरी कौन कर रहा है? दादागिरी कौन कर रहा है? ये जवाब क्यों नहीं देंगे? ये जवाब देंगे ना। अरे मेरी बात सुन भाई जी, भाई साहब आप बीच में मत बोलो, हमारे बैंक से और आपसे मैटर नहीं है, आपसे मैटर नहीं है। हमारा जो मैटर है, हमारा मैटर है बैंक से है, और ये सब बैंक के कर्मचारी है, हम भी कर रहे हैं, ये बैंक के कर्मचारी है। बैंक एक सिस्टम है और सिस्टम भाषा समझता है कागज की। इनमें एक है बैंक का कर्मचारी, एक भी नहीं है, रिकवरी के आदमी है, बैंक के एक बंदा है बैंक से। भाई साहब आप रिकवरी से आते हैं, बैंक वाले वो हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं हाँ, तो बैंक आपका और हमारा लफड़ा नहीं है, बैंक से लफड़ा है, और ये बैंक के कर्मचारी हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा कागज के रूप में। जवाब तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये संविधान से ऊपर नहीं है। हमने जो इनको एप्लीकेशन कुछ भी भेजी है ना, तो आप वकील हो ना बैंक के, तो इनको बोलो भाई उसके वकील का जो भाई उस एप्लीकेशन में ये लिख के दे दो, हमें कुछ नहीं पता, वो भी जवाब चलेगा हमें। पर आपको कागज के रूप में देना पड़ेगा, वर्बली कुछ नहीं दे सके आप, बस ठीक है। पर ये आप जो कह रहे हो ना कि डीएम उसमें कोर्ट, डीएम को नहीं मानते, कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का ये आदेश।